हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। जैसा कि हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कहानी शुरू होती है एसडीएलसी के फेजेस से, जहां पर हम शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन प्लानिंग, देन डिजाइन। डिजाइन के बाद हम आते हैं सीधा डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट से टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर होस्ट मशीन पर सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है। इसके बाद यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें या तो बताया नहीं जाता है, या फिर उसके बाद का दूसरा चैप्टर जो शुरू होता है उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। और ये एक जनरल ट्रेंड रहा है क्लासिकल वे में। देखें तो बहुत सारी कंपनीज बस यहीं तक की जर्नी को अपना मानती थी, लेकिन एक्चुअली जब ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर चलने लगा डिप्लॉयमेंट के बाद, अब अगर कोई नए अपडेट्स डिमांड में आते हैं तो उसको कौन करेगा? सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने के बाद मेंटेनेंस शुरू होता है। एंड आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि मेंटेनेंस टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए, मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं आपको, मे बी इट इज कस्टमाइज्ड फॉर सम स्पेसिफिक सिचुएशंस, 40% इज टू 60%। ये पूरा लाइफ साइकिल था अपना एसडीएलसी का। इसमें 40% अपना डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट तक का था, उसके बाद कॉस्टिंग शुरू होती है, मतलब मेंटेनेंस के बाद ही अगली कहानी शुरू होती है। सो मेंटेनेंस को अगर किसी कंपनी ने ध्यान दिया है तो रिवेन्यू इटरेटिव होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें साइकिल चलती रहती है। अब मेंटेनेंस वर्ड का मतलब थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। मेंटेनेंस का मतलब कोई नया मॉड्यूल बनाना नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं, आप एक बाइक परचेज करते हैं, तो अगर बाइक खराब होती है या बाइक में थोड़े मॉडिफिकेशन कराने हैं आपको, तो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलें कि नहीं, उसका पहिया ये वाला नहीं होना चाहिए, उसका पहिया ही चेंज कर दो, कुछ ऐसा लगा दो, तो उसके साथ फिट ही नहीं होगा ना वो, है ना। कोई दूसरा व्हील का बाइक का पहिया लगा दिया अपन ने, तो उसके साथ फिट नहीं होगा, है ना। सो आप कुछ ऐसी चीज नहीं लगा सकते जो कि सिस्टम उसको अडैप्ट ही नहीं कर सके, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेंटेनेंस में हम सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को थोड़ा सा उसमें प्रोविजंस ऐड करते हैं, ना कि उस कंपोनेंट को हटाते हैं या उसकी जगह को दूसरा कंपोनेंट लाते हैं। तो आप बात समझिएगा कि जब रिक्वायरमेंट स्लाइटली चेंज हो रही है, प्रोविजंस के बेसिस पे चेंज हो रही है, बोलते हैं नहीं हमें ना डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट DDMMYY की जगह MMDDYY करना, फ्रंट एंड में यूजर को ऐसा दिखना चाहिए, पॉसिबल है, मेंटेनेंस का काम है, कर लेंगे, हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ वैल्यूज जैसे अपन डॉलर्स में दे रहे थे, मान लीजिए उसको कन्वर्ट करके रुपीज में शो करना है, ओके पॉसिबल है, मेंटेनेंस में आएगा। लेकिन अगर आप बोले कि एक नया मॉड्यूल क्रिएट करना है, कोई नया बोलना चाहिए पेइंग सिस्टम होता है, या फिर जिसमें सैलरी कैलकुलेट होती है एम्प्लॉयज की, ऐसा कोई सिस्टम ही अलग से बनाना है, तब वो मेंटेनेंस में नहीं आएगा बॉस। उस टाइम पर फिर आपको वापस से साइकिल रीट्रेड करनी पड़ेगी फ्रॉम द एसडीएलसी। तो आप मेंटेनेंस किसका करा सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट हो उसमें कुछ प्रोविजन मॉडिफिकेशन कराने हो आप करा सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर इतनी कॉस्टिंग आ जाती है, ठीक है। सो क्योंकि ये कब तक चलेगा मेंटेनेंस? क्या सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए बन गया है? क्या सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए उसी पर्टिकुलर डोमेन में चलेगा? ये चीजें आप बोल नहीं सकते, आप श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करेगा कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, है ना, उसकी क्या क्या चैलेंजेस है मार्केट में, क्या कैसे डिफेंड करना पड़ रहा है उसको, क्या सिनेरियो है, क्या बदल रहा है बार बार सिनेरियो। तो ऐसी स्थितियों में आपको डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। तो कभी कभी ये स्थिति भी आती है कि भाई मेंटेनेंस इतना हो गया, 3-4 साल तक से मेंटेनेंस चल रहा है, अब डेवलपर ने हाथ खड़े कर दिए, बोलते अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसको डस्टबिन में डालो और कुछ नया अपन रीफ्रेम करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो फिर क्या होगा, जीरो से शुरुआत करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी अपन यूज करते हैं, जैसे आजकल मर्न स्टैक है या मीन स्टैक है, एप्लीकेशन के जो कन्वेंशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है उनसे अपन बहुत सारी कंपनीज इसको स्विच कर रही हैं, जावास्क्रिप्ट ओनली जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स पे माइग्रेट हो रही है सिस्टम्स, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस, आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। सो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज एन एक्टिविटी इन विच
प्रोग्राम इज मॉडिफाइड आफ्टर इट हैज बीन पुट इनटू यूज. जब यूज में ये आ रहा है उसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर परिवर्तन करना चाह रहे हैं देन अपन कर सकते हैं. इन दिस यूजुअली इट इज नॉट प्रेफर्ड टू अप्लाई मेजर सॉफ्टवेयर चेंजेस टू सिस्टम आर्किटेक्चर. बिल्कुल ये वर्ड मैं यूज करना भूल गया. आप इसको ध्यान रखिएगा, सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है आप उसे बदल नहीं सकते. सिस्टम के आर्किटेक्चर में प्रोविजन सेट हो सकते हैं बट यू कैन नॉट से दैट आर्किटेक्चर सोनली गेट चेंज. बोलते ना जैसे बिल्डिंग में होता है ये वाली मेन जो पिलर है उसको हटा के कहीं और शिफ्ट कर दो, मेन पिलर को हटाओगे बिल्डिंग गिर जाएगी. सो यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होते हैं. सो मेंटेनेंस इज द प्रोसेस इन विच चेंजेस आर इंप्लीमेंटेड बाय ईदर मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम आर्किटेक्चर और बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट इनटू द सिस्टम. अब यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया कि मान लो इस कंपोनेंट इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के साथ एक चीज और ऐड कर दी गई है तो इसका भी एक पर्टिकुलर एसडीएलसी लाइफ साइकिल चला होगा. अगर ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट की कंपोनेंट को एड ऑन करना पड़ेगा तो यहाँ पर इस कंपोनेंट को बनाने के लिए अलग से एसडीएलसी चलेगा. दैट विल नॉट अ कंप्लीटली मेंटेनेंस पार्ट, राइट. सो हम कोशिश करते हैं कि जो ये पर्टिकुलर टेरिटरी है, जो पहला जो पार्ट है, जो पहला कंपोनेंट है, इसी में कुछ प्रोविजंस चेंज कर सके, आर्किटेक्चरल चेंजेस ना हो, आर्किटेक्चरल चेंजेस ना हो. अगर कोई कंपोनेंट ऐड करना ही है तो फिर वो अलग से डेवलप होगा, राइट. सो आई होप द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर टू यू ऑल. फर्दर वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल. थैंक यू.